इसका एक्सेलेटर पैडल भी खुल गया, इसका एक्सेलेटर पैडल ये है। इसका एक्सेलेटर पैडल के बारे में भी, इसका करंट के बारे में जानकारी करेंगे हम कि इसका एक्सेलेटर पैडल है, इसमें क्या क्या करंट जाता है। तो इसमें 6 ठो तार रहता है, कहाँ गया इसका, ये है इसका। तो यह इसका एक्सेलेटर पैडल है और इसके करंट के बारे में जानकारी करेंगे और वायरिंग के बारे में जानकारी करेंगे कि कौन सा करंट किस में आता है और ग्राउंड किस में आता है और सिग्नल किस में आता है। तो सबसे पहला तार जो है ये मेरा ग्राउंड है, इसके बाद जो है ब्लैक पे वाइट लकीर ये सिग्नल तार है और ये हरा पे क्या है, हरा पे ब्लैक लकीर है। हरा पे जो ब्लैक लकीर है इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई आता है और ये जो पीला पे ग्रीन लकीर है इसमें भी 5 वोल्ट का सप्लाई आता है। उसके बाद ये मेरा हो जाता है सिग्नल वायर और ये हो जाता है ग्राउंड। तो दोनों साइड साइड का ग्राउंड है, उसके बाद ये सिग्नल है, फिर ये सिग्नल है और बीच में जो दिखता है वो 5 वोल्ट का सप्लाई है। ये यहाँ से ऐसे खुलता है और ये इसका ये पिन है। जब ये पिन भी दब उब जाता है तब यहाँ से भी एक्सीलेटर छोड़ता है और छोड़ पकड़ करता है, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है, ये देखिए, ये भी खुल गया। तो इसका वायरिंग के बारे में भी जानकारी कर लिया और सेंसर के बारे में। और जब ये ख़राब होता है इसमें फॉल्ट वोल्ट क्या आता है, 132 आता है करंट का है और 1241 1242 ये सब जो है सब करंट का, या तो ये ख़राब हो जाएगा तब आता है। इतना सारा ये सब कोड आपको देखना पड़ेगा। और ये जब ख़राब होता है या करंट छोड़ता है तो मीटर में आपको एक स्टॉप लाइट का सिग्नल आएगा, वो स्टॉप लाइट आता है। तो आप जान जाइएगा मेरा एक्सेलेटर का वायरिंग का प्रॉब्लम है या तो फिर ये इसका ये एक्सेलेटर पेडल का दिक्कत है। तो वायरिंग खोलते हैं फिर बाहर आपको दिखाते हैं।